नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। आप सभी को यहां पर क्लास नजर आ रही है तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा। साउंड में कोई इश्यू तो नहीं है, एक बार यस लिखकर मुझे यहां पर बता दीजिए कि नहीं सर कोई भी इश्यू नहीं है और क्लास हमें यहाँ पर दिख रही है। एक बार यस लिखकर सभी विद्यार्थी यहाँ पर बता दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और टेक्निकल टीम से हम यहाँ पर अनुरोध करते हैं, सारी चीजें ओके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सुबह 9 बजे बैंकिंग की क्लासेस आप अनअकैडमी पर ले सकते हैं, 11 बजे आप स्ट्रेटेजी जीके की क्लासेस भी अनअकैडमी पर ले सकते हैं, और दोपहर 1 बजे तो आप यहां पर क्लासेस ले ही रहे हैं। चलिए, और अनअकैडमी पर यहां पर आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के यहां पर क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं तो वहां से भी आपको वहां पर फायदा मिल जाएगा और अनअकैडमी से भी आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर देना शुरू कर दीजिएगा यहाँ पर सभी विद्यार्थी। बाहुबली त्योहार किससे संबंधित है, बाहुबली फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी यहाँ पर डालने लग गए थे कि अभी अभी पता चला है कि टेक्निकल इश्यू से क्लास नहीं होगी, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, शायद यहाँ पर कौन थे, देव मिश्रा जी थे, उनको ये जानकारी कहाँ से मिली, क्योंकि मैंने तो ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। तो इस तरह के भ्रम और इस तरह के फेक मैसेज करना बंद कीजिए। बाहुबली त्योहार किससे संबंधित है, बाहुबली फेस्टिवल इज रिलेटेड टू इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो मुझे लगता है आप सभी को इसकी जानकारी अच्छे से है। बाहुबली देवता को यहाँ पर जैन धर्म के लिए जाना जाता है और बाहुबली की ये इतनी बड़ी मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटका में आपकी मौजूद है, हर साल यहाँ पर बाहुबली त्योहार आपका मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कुछ लोग फेक यहाँ पर डाल रहे थे और कि भाई क्लास नहीं होगी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। देखो कई बार हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि क्लास को समय पर स्टार्ट करें, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, मानस का हंस, अब आप लोग पूछेंगे सर टेक्निकल इशू रोज आ जाता है। देखो बात यहाँ पर ये होती है कि टेक्निकल इशू बताकर नहीं आता और हमारा कोई मन नहीं है कि भाई रोज आए टेक्निकल इशू, लेकिन जब आता है तब आता है, प्रॉपर तरीके से क्लास चले इसमें बहुत सारी टेक्नैलिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करके यहाँ पर बता दीजिएगा। मानस का हंस, मानस के हंस या मानस का हंस लेखक, इस किताब के लेखक कौन है, एक ना एक किताब आपके एग्जाम में पूछी आती है। चारों के चारों यहाँ पर जो राइटर है वो आपके बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं। जैसे कि मैं खुशवंत सिंह जी की बात करता हूं तो ट्रेन टू पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर ये किताब यहाँ पर लिखी गई है, ये किताब भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, नमक का दरोगा, ईदगाह, इसके अलावा बहुत सारी किताबें, गबन है का और निर्मला है, बहुत सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन मानस का हंस के लेखक जो है वो अमृतलाल नागर है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पर आपकी बनती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, लाइफलाइन एक्सप्रेस है, लाइफलाइन एक्सप्रेस इज अ, ये आपकी नशा छोड़ाने के लिए ये एक्सप्रेस है, पटरियों पर चलता फिरता अस्पताल है, ये एक स्वास्थ्य पत्रिका है, या फिर रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला ये एक उपकरण बनता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है, लाइफलाइन एक्सप्रेस आपकी पटरियों पर चलती फिरती दौड़ती हुई एक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर ही आपका पूरा चलता फिरता अस्पताल है। ये इंडिया की फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन बनती है, भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस बनता है, याद रखिएगा। इसे मुंबई में शुरू किया गया था, ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा, कहाँ शुरू किया गया था, मुंबई में इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा निकाय, कौन सी बॉडी समाचार पत्रों के संचलन, मतलब कि जो सर्कुलेशन होता है उनका, पूरे भारत में पूरे हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर्स आपके बांटे जा रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर्स में जो आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, फिगर्स प्रदर्शित किए जाते हैं, उनको प्रमाणित कौन करता है, मतलब कि न्यूज़पेपर में जितने भी आपके आंकड़े आपके बनते हैं, जितने भी आंकड़े आपके बनते हैं न्यूज़पेपर में जो पब्लिश किए जाते हैं, वो आंकड़े प्रमाणित कौन करता है, आईएसआई प्रमाणित करता है, ये तो पाकिस्तान की एक आपकी खुफिया एजेंसी बनती है आईएसआई, इसके अलावा पीटीआई करता है या एआईएनईसी या फिर एबीसी, कौन इन्हें प्रमाणित करता है, तो प्रमाणित करने का काम जो है, उनको वेरीफाई करने का जो काम है वो एबीसी नाम का ऑर्गेनाइजेशन करता है। अब सर एबीसी का फुल फॉर्म क्या बनता है, एग्जाम में तो फुल फॉर्म भी पूछेगा, बिल्कुल सही है, तो एबीसी का फुल फॉर्म बनता है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसे कहीं भी नोट करके रख लीजिएगा, जहां पर भी आप शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म नोट करते हैं वहां पर इसको नोट जरूर कीजिएगा, पता नहीं किस एग्जाम में आपसे इसका फुल फॉर्म भी यहां पर पूछ लिया जाए। तो एबीसी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ये एक आपका एनजीओ है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये वेरीफाई करता है
कि भारत में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं उसमें जो भी आंकड़े प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बनते हैं? विच ऑफ दीज आर दी नेम्स ऑफ दी नेशनल पार्क्स लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत सारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश को इसीलिए टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को आपका जाना जाता है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है, घड़ियाल स्टेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा घड़ियालों की संख्या मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की जो आपकी चंबल रिवर बनती है यानी कि चंबल नदी आपकी जो बनती है वो आपकी घड़ियालों के लिए काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है कान्हा नेशनल पार्क और कान्हा भगवान का सेकंड नेम बनता है माधव, तो कान्हा माधव नेशनल पार्क ही आपके मध्य प्रदेश में मौजूद है। कान्हा माधव पैंच के अलावा सतपुड़ा, पन्ना टाइगर रिजर्व, इसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क, इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर का नाम बनता है क्या? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर जो कि अभी हाल ही में हॉस्पिटलाइज भी हुए थे उनका नाम फटाफट से सभी विद्यार्थी टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिएगा कि वर्तमान गवर्नर कौन बनते हैं मध्य प्रदेश के, जिन्हें हाल ही में यहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया गया था क्योंकि उनकी तबीयत यहाँ पर कुछ खराब हो गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपका लोकेटेड है? विच ऑफ दीज टेम्पल इज लोकेटेड इन काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल। काठमांडू में ये कौन सा मंदिर है? अभी हाल ही में 2.33 करोड़ का अमाउंट भारत सरकार के द्वारा इस मंदिर के लिए दिया गया है। जो भी यहाँ पर मंदिर का आंसर होगा ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत ने 2.33 करोड़ का जो अमाउंट है वो नेपाल के किस मंदिर को दिया है वहां पर साफ सफाई के लिए, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पर हमने दिया है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए जो कि आपका नेपाल काठमांडू में मौजूद है। कामाख्या मंदिर जो आपका बनता है ये भारत में ही मौजूद है, किस राज्य में मौजूद है, किस स्टेट में मौजूद है फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर की मैं बात करता हूं तो वाराणसी में आपका गंगा नदी के किनारे ये मंदिर आपका मौजूद है। काठमांडू की बात करते हैं जो कि नेपाल की राजधानी बनती है, इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है यानी कि मंदिरों का शहर भी किसे कहा जाता है, काठमांडू को आपका मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और भारत में वाराणसी को और मदुरै जो कि तमिलनाडु में है उसे भी सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से आपका जाना जाता है। नेपाल के साथ अभी काला पानी को लेकर हमारे और हिंदुस्तान, नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में काला पानी टेरिटरी को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद आपका चल रहा है। वर्तमान में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आपके बनते हैं केपी ओली शर्मा और आपकी जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। असम गुवाहाटी में आपका कामाख्या मंदिर मौजूद है। जितने भी विद्यार्थियों ने असम आंसर किया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, भारत में बाघों का कौन सा अभ्यारण्य, भारत में बाघों का कौन सा अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का मतलब होता है रिजर्व, ठीक है, जहां पर टाइगर्स के संरक्षण के लिए काम किया जाता है तो उसे टाइगर रिजर्व कहा जाता है। आप यहां से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका किस ईयर में चलाया गया था जिसके तहत भारत में टाइगर्स को संरक्षित करने की बात की गई है, तो आपको बताना है कि इनमें से भारत का कौन सा बाघों का अभ्यारण्य नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से लगा हुआ है। विच ऑफ दीज टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज एडजेसेंट टू द चितवन नेशनल पार्क इन नेपाल। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं दुधवा नेशनल पार्क तो ये उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सीमाएं नेपाल से लगती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की सीमाएं भी आपकी नेपाल से लगती हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल के साथ भी नेपाल की सीमाएं लगती हैं। और वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करता हूं तो ये बिहार में मौजूद है और यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क की जो सीमा है वो चितवन नेशनल पार्क नेपाल से आपकी लगती है, करेक्ट आंसर बनेगा। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका जो चलाया गया था वो 1973 में चलाया गया था जबकि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका लागू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जानवर का नाम उसे अपने रंग से प्राप्त होता है? विच ऑफ दीज एनिमल गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स कलर, मतलब कि इसका जो नाम पड़ा है वो इसके कलर की वजह से पड़ा है, इसके रंग की वजह से पड़ा है। ये एलिगेटर है यानी कि घड़ियाल, ये बारह सिंगा है यानी कि रेंडियर, नीलगिरी तहर या फिर नीलगाय।
घड़ियाल का जो नाम आपका बनता है वो घड़ियाल की एक लंबी सी, घड़ियाल का आपने मुंह देखा होगा, उसकी लंबी सी चोंच होती है, चोंच नुमा उसका जबड़ा होता है, और जबड़े के बिल्कुल किनारे की तरफ यहाँ पर क्या होता है, ये आपका घड़ियाल है। तो घड़ियाल के मुंह के बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होता है, एक घड़े नुमा या घड़े के मुंह की आकृति बनी होती है, घड़े का जो मुंह होता है ना उस तरह की आकृति बनती है, तभी इसे घड़ियाल कहा जाता है। बारहसिंगा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का जो स्टेट एनिमल बनता है वो बारहसिंगा बनता है। नीले रंग का होता है नीलगाय, नीलगाय जो होती है वो हल्के नीले रंग की होती है, जिस वजह से इसको यहाँ पर नीलगाय आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन सा भारतीय क्रिकेट टीम का कभी भी कोच नहीं रहा? विच क्रिकेटर हैज नॉट बीन द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, कभी भी ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नहीं रहे? ग्रेग चैपल, अनिल कुंबले, गैरी कस्टन और सौरव गांगुली। ठीक है, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था तो 50-50 ओवर क्रिकेट में जब आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था तब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गैरी कस्टन थे, और हाल ही में श्रीलंका नामक देश ने यहां पर जांच बिठाई है। श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर 2011 में खेल मंत्री हुआ करते थे श्रीलंका के, उनका कहना है कि जो फाइनल मैच हुआ था उस मैच में इंडिया और श्रीलंका का जो मैच हुआ था उसमें श्रीलंका हार गया था, तो वर्ल्ड कप फाइनल में जब इंडिया ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीता था तो वो मैच आपका फिक्स था, उस समय के खेल मंत्री ने बोला है। तो हाल ही में श्रीलंका ने एक जांच समिति यहां पर नियुक्त की है, जो कि 2011 के फाइनल मैच में जिसमें भारत ने विजय हासिल की थी और वर्ल्ड कप जीता था उसकी जांच करेगी, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओके, यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनता है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की आत्मकथा भी कई एग्जामों में आपकी पूछी गई है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सौरव गांगुली, किसी विधि विद्यार्थी को अगर ये याद है तो एक बार टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी बनती है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम बनता है, ये भी आप लोग यहां पर साथ ही साथ याद रखेंगे। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी, हाँ उनके परिवार में कुछ सदस्यों को कोरोना वायरस हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने, किसी ने यहाँ पर आंसर टाइप किया है। अभी जांच नहीं हुई है, जांच के आदेश दिए गए हैं एक हफ्ते के अंदर, हरिओम यादव जी, प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला गया है कि एक हफ्ते के अंदर जांच की प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी जाए। इससे पहले अभी जांच नहीं हुई क्या? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है जांच। ओके, अभी एक हफ्ते के अंदर प्रगति रिपोर्ट वो लोग वहां पर सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किन पड़ोसी देश में तमिल आधिकारिक भाषाओं में से एक है? वेरी गुड, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर कर ही दिया है। द सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक ही सेंचुरी काफी नहीं है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी बनती है। विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज तमिल वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज? पहली चीज की भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री बनते हैं सबसे छोटा जो नेबरिंग कंट्री बनता है वो भूटान देश बनता है, स्मॉलेस्ट ये हमारा नेबरिंग कंट्री आपका यहाँ पर बनता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनता है वो बनता है श्रीलंका, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा आपकी तमिल बनती है। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या बनती है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी या श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी क्या है, तो आप श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या वहां पर टाइप करके या फिर उसको वहां पर टिक करेंगे, तो श्रीलंका की राजधानी सभी विद्यार्थी टाइप करके यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, श्रीलंका के ही एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम बनता है लिट्टे, लिट्टे का फुल फॉर्म बनता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसने 21 मई को भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, जब राजीव गांधी जी हैदराबाद शहर के पास एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तो 21 मई को इसीलिए आतंकवाद के विरोध में भारत एंटी टेररिज्म डे मनाता है, याद रखिएगा, और हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम भी राजीव गांधी जी के नाम पर इसीलिए किया गया है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जितने भी लोग कोलंबो आंसर कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि कोलंबो नहीं, आपको श्री जयवर्धनेपुरम कोटी आंसर करना है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटी ये आधिकारिक और प्रशासनिक राजधानी बनती है श्रीलंका की, और कोलंबो इसी के अंडर में आपका आता है। अगला क्वेश्चन, इन पर्यटन स्थलों में से किसने अपने आसपास की 5 पहाड़ियों से अपना नाम प्राप्त किया है? मतलब कि 4 ऑप्शन ये हैं, पणजी है, पंचकुला है, पुदुचेरी है, पंचगनी है, ये सभी आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनते हैं। इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से किस टूरिस्ट प्लेस का नाम जो बनता है वो 5 पहाड़ियों की वजह से उसका नाम यहाँ पर ये लिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका बनता है पंचगनी। पंचगनी नाम का जो टूरिस्ट प्लेस है ये आपका महाराष्ट्र में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? ये आपका महाराष्ट्र में मौजूद है। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन,
मोरक्को के चमड़े को किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? सबसे बेहतरीन लेदर्स में आपका काउंट होता है मोरक्को का चमड़ा या मोरक्को लेदर, सबसे बढ़िया लेदर आपका माना जाता है, सबसे बढ़िया चमड़ा माना जाता है। ये चमड़ा किस जानवर से प्राप्त होता है? बकरे से होता है, सेब भेड़ से होता है, गाय से होता है या फिर घोड़े से प्राप्त होता है। लेदर की बात यहां पर आ गई है तो लेदर सिटी के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? तो भारत के कानपुर शहर जो कि गंगा नदी के किनारे है। कानपुर शहर किस नदी के किनारे है? कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे है, तो कानपुर शहर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी आपका कहा जाता है। ठीक है, कानपुर शहर याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे। यहां पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बकरे से आपका मोरक्को का जो चमड़ा है वो आपका बकरे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? बकरे से प्राप्त किया जाता है, शीप यानी कि भेड़ से नहीं, ये चमड़ा प्राप्त होता है बकरे से। ओके, अगला क्वेश्चन, शिशु किताब की बात कर लेते हैं या शिशु साहित्यकार की बात कर लेते हैं। तो शिशु नाम का जो साहित्यकार है वो किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखा गया है? शिशु इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ विच इंडियन ऑथर? ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी या फिर अरुंधति रॉय। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इनकी आत्मकथा के बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं बता देता हूं, इनकी आत्मकथा का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। इनकी आत्मकथा का नाम बनता है एन ऑटोबायोग्राफी। क्या बनता है? एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा, ये इनकी आत्मकथा है। कुछ लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया को इनकी ऑटोबायोग्राफी बोल देते हैं जो कि गलत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने भारत के भ्रमण के दौरान जो कुछ देखा वो लिखा हुआ है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इनकी आधिकारिक जो आत्मकथा बनती है उसका नाम ही है एक आत्मकथा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर लेते हैं, सही जवाब भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही है। 1913 में इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का द्वारा हमारे देश का जनगण मन जो कि राष्ट्रगान है वो आपका बनाया गया था या उसका निर्माण किया गया था। अगर मैं बात करता हूं वंदे मातरम जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत बनता है, तो वंदे मातरम रचना किस राइटर के द्वारा की गई थी? फटाफट से उनका नाम यहां पर टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जीएल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, एन ऑटोबायोग्राफी भी, लेकिन आत्मकथा जब भी पूछेगा तो एन ऑटोबायोग्राफी आंसर यहां पर लगाइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंग्रेजी फिल्म पहली बार हिंदी में डब की गई थी? हिंदी में डबिंग का मतलब होता है, थी तो ये इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म, लेकिन इस इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में हिंदी डबिंग की गई थी, मतलब हिंदी में इस फिल्म का उच्चारण किया गया था ताकि हिंदी भाषी लोग भी यहां पर इस फिल्म को देख सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश फिल्म वाज द फर्स्ट वन टू बी डब्ड इन हिंदी? अलादीन, स्पीड, यूनिवर्सल सोल्जर या फिर क्लिफ हैंगर? क्या करेक्ट आंसर बनेगा? करेक्ट आंसर बनता है अलादीन। बस याद रखिएगा, अब तो हर मूवी ही आपकी हिंदी में डबिंग होती है और उसकी क्या होती है, बंकिम चंद्र चैटर्जी, बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा लिखा गया है, सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है अलादीन। क्या बनता है? अलादीन। अगला क्वेश्चन, किस जानवर की आंख सबसे बड़ी होती है? किस जानवर की आंख सबसे बड़ी होती है जो कि इंसानी आंख से लगभग लगभग 10 गुना आपकी बड़ी होती है? विच एनिमल हैज द बिगेस्ट आई, 10 टाइम्स बिगर देन द ह्यूमन आई? ये भेल मछली की होती है, नेवले की होती है, गैलागो नाम के जानवर की होती है या फिर विशाल स्क्विड या जायंट स्क्विड की होती है? नेपाल की मुझे नहीं लगता, वो नेवले की मुझे नहीं लगता कि इंसानी आंख से 10 गुना बड़ी आंख होगी, तो मुझे नहीं लगता कि नेवले वाला कोई आंसर यहाँ पर करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फोर, विशाल स्क्विड। ये जानवर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जानवर थोड़ा थोड़ा आपको ऑक्टोपस की तरह ही नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा उसी प्रजाति का थोड़ा सा एक दूसरा जानवर है, तो इसकी आंख 10 गुना बड़ी होती है इंसानी आंख से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मूल पंचतंत्र किताब की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल रूप से पंचतंत्र आपकी संस्कृत में लिखी गई थी और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हु रॉट द ओरिजिनल पंचतंत्र? विष्णु शर्मा जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, कालिदास जी के द्वारा जिन्हें संस्कृत भाषा का महाकवि कहा जाता है, या समुद्रगुप्त के द्वारा? समुद्रगुप्त की अगर मैं बात करता हूँ, गुप्त काल में सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो समुद्रगुप्त ही था, और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड भी आपका कहा जाता है। भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड किस टाइम पीरियड को कहा जाता है? गुप्ताज एज या गुप्त काल को कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर विष्णु शर्मा बनता है जो कि गुप्त काल से ही आपके संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल राज्य का नृत्य नहीं है? Which of the following is not a dance from the Kerala? मतलब कि चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो केरल का नहीं है, वो किसी दूसरे राज्य का बनता है।
कथकली की मैं बात करता हूं तो ये केरल से ही है। मोहनी अट्टम भी आपका केरल का ही आपका फोक डांस बनता है। ओटन थुल्लन ये भी आपका केरल का ही बनता है। तो फिर सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। यक्षगण, यक्षगण की बात करता हूं, ये केरल राज्य का राज आ, 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 फोक डांस नहीं है। किस राज्य का बनता है ये तो आप ही सभी लोग यहाँ पर बता दोगे, आप सभी लोग काफी समय से पढ़ रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। फटाफट आंसर करिएगा कि यक्षगण जो आपका नृत्य बनता है वो किस राज्य का नृत्य यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत तरीके से मेल खाता है, मतलब कि रॉन्गली मैच्ड है, मतलब ये मैच नहीं करता। कुतुब मीनार दिल्ली में मौजूद है, क्या ये मैच करता है? ताजमहल आगरा में मौजूद है, क्या ये मैच करता है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मौजूद है, क्या ये मैच करता है? चार मीनार लखनऊ में मौजूद है, क्या ये मैच करता है? तो मुझे लगता है सभी लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, चार मीनार आपका हैदराबाद में मौजूद है सर, ये लखनऊ में मौजूद नहीं है। अगर हमसे बोला जाता कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा तो हम लखनऊ आंसर आपका कर देते, लेकिन यहाँ पर चार मीनार पूछी गई है और चार मीनार आपकी हैदराबाद सिटी में आपकी मौजूद है, याद रखिएगा। हैदराबाद शहर की बात करते हैं, किस नदी के किनारे हैदराबाद शहर आपका मौजूद है? तो ये मूसी रिवर के किनारे मौजूद है। भारत की आजादी के बाद यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद के जो निजाम थे वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इसलिए उस समय के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाया था। तो आपको ये बताना है कि ऑपरेशन पोलो जो था वो किस ईयर में कंडक्ट हुआ था, वो वर्ष क्या था। अगला प्रश्न, अपने मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने वाला प्रथम भारतीय राज्य। पहले आपके जो आइडेंटिटी कार्ड होते थे उसमें फोटो आपकी जारी नहीं होती थी, लेकिन सबसे पहला भारतीय राज्य जिसने फोटो पहचान पत्र जो आपका होता है आइडेंटिटी कार्ड होता है उस पर सबसे पहले फोटो जारी करना शुरू किया ताकि आसानी से उस व्यक्ति को पहचाना जा सके। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है हरियाणा स्टेट। ओके, 1907 की अगर हम लोग बात यहाँ पर कर लेते हैं तो 1907 से लेकर अभी तक वांगचुक किस देश पर शासन करते आए हैं, या वर्तमान में वांगचुक वंश के शासकों का इनमें से किस कंट्री पर अधिकार है या शासन है? करेक्ट आंसर पर बनता है भूटान। भूटान के वर्तमान किंग का जो नाम बनता है, भूटान के वर्तमान राजा का जो नाम बनता है वो बनता है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो 1907 से लेकर अभी तक वांगचुक वंश के शासकों का ही भूटान पर क्या रहा है, अधिकार रहा है। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में एकमात्र ऐसे सांसद कौन है जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट भी आपके बनते हैं, मतलब कि उन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीता हुआ है और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? तो करेक्ट आंसर बनता है राज्यवर्धन सिंह राठौर। कुछ समय तक ये भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आपके यहाँ पर रह चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो इस किताब में किसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताया गया है? ये किताब उन्हीं के सेक्रेटरी संजय बारू ने लिखी है। तो ये किताब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर आधारित है। मनमोहन सिंह जी आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, मजा आया हो तो एक बार सभी विद्यार्थी यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी अंकित गुप्ता जी के टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा अंकित गुप्ता जी के कैपिटल लेटर्स में, तो आपको 3800 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, आप लोग भी जुड़ जाइएगा, पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी। प्रतिदिन सुबह 9 बजे अनअकैडमी पर क्लास होती है बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स की। तो जो विद्यार्थी बैंकिंग के एग्जाम फिल करने वाले आने वाले समय में, वो बैंकिंग की क्लासेस के लिए यहाँ पर जरूर जुड़े। सुबह 11 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है जो कि आपके एसएससी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रेलवे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि रेलवे के एग्जाम में भी स्टैटिक जीके आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी आप लोग जुड़िएगा। दोपहर में 1 बजे तो आप लोग जुड़ी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अनअकैडमी पर अगर ढूंढने में दिक्कत हो आपको क्लासेस, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एसएससी सेक्शन में जाकर एसएससी की क्लासेस, रेलवे की क्लासेस आप देख सकते हैं, बैंक सेक्शन में जाकर बैंक की क्लासेस देख सकते हैं। स्पेशल क्लास पर टिक कीजिएगा, नाम सर्च कीजिएगा, ऑल एजुकेटर्स पर क्लिक कीजिएगा, 4थे नंबर पर मेरा नाम मिलेगा, फॉलो कर लीजिएगा। फॉलोअर्स की संख्या करीब करीब 2000 के आसपास है, आप लोग भी फॉलो कर लेंगे तो इसको फॉलो करने का फायदा ये होगा कि क्लास स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि मेरी क्लास आपकी शुरू होने वाली है। आज के लिए दोस्तों मेरे साथ इतना ही, ज्यादा से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए, कल फिर दोपहर 1 बजे